वो सरकार निकम्मी है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से झुग्गी बस्ती में पहुंच रही है और आज की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेहरोली विधानसभा के दक्षिणी जिले के मेहरोली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी में झुग्गी बस्ती जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव के नेतृत्व में यहां पर तमाम झुग्गीवासी जो हैं एकत्र हुए और यहां पर देखिए किस तरीके से जन आक्रोश जो रैली है वो निकाली गई और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झुग्गी बस्ती में ये जन आक्रोश रैली जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर पुतला दहन किया गया, साथ ही साथ खुद दिल्ली भाजपा के जिस तरीके से जो नेता हैं यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं। उसके बाद आम लोगों से जब हमने बात कही तो उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो या साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जो समस्या हो उस समस्या से वो लोग लगातार जूझते आ रहे हैं और सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। उसी लिए ये पूरा देखिए किस तरीके से जन आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी जिले के मेहरोली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी की, जहां पर ये जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली गई। उस जन आक्रोश में देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है दिल्ली सरकार के ऊपर और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। वहीं आपको बता दें कि जो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष है गजेंद्र यादव, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से क्षेत्र में लगातार जो समस्याएं हैं वो हैं दिल्ली सरकार के, चाहे विधायक हों या दिल्ली सरकार हो या उनके पार्षद, उनके द्वारा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया जा रहा जिससे कि लोग नाखुश हैं। देखिए यहाँ पर पुतला दहन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। पुतला दहन के दौरान देखिए लोगों ने जो अपना गुस्सा है वो अरविंद केजरीवाल के इस पुतले पर दिखाया, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद पुतला दहन के बाद गजेंद्र यादव जो कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके का गुस्सा जो है वो लोगों के साथ साथ जो है भाजपा भी चाहती है कि इस बार जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार बने और आम आदमी पार्टी का सफाया हो। यहाँ पर देखिए जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। आइए सुनवाते हैं कि क्या कहा इस पूरे पुतला दहन जो और ये जो जन आक्रोश जो निकाला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेहरोली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी में, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा आइए सुनवाते हैं आपको। दिल्ली की भ्रष्ट सरकार जिन्होंने पिछले 10-11 वर्षों से हमेशा आम आदमी के नाम पर हमारे दिल्ली के परिवारों को बरगलाया, झूठ बोला कि हमने झुग्गी बस्ती में कायाकल्प कर दिया है, उसी से विरोध करते हुए हमारे जो कुसुमपुर पहाड़ी के परिवार हैं वे सब पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के भ्रष्टाचार, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो यहाँ पर विभाजनकारी नीतियाँ बनाई, केवल केवल एक धर्म विशेष के लिए सब प्रकार की सुविधाएं देनी शुरू करी, झुग्गी बस्ती में कुछ दिया नहीं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पानी के लिए हर गली के भीतर बहुत ज़्यादा डब्बे पानी के खाली रखे रहते हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो आज यहाँ के परिवार इकट्ठे हुए और मैं चूँकि लगातार अपने यहाँ कुसुमपुर के जो परिवार हैं उनके साथ रहता ही हूँ, इसीलिए आज हमने यहाँ पर एक पदयात्रा निकाली, जिस पदयात्रा में कहते थे हम आम आदमी हैं, खुद के लिए बनाया भ्रष्टाचार का शीश महल, शराब घोटाला, अपराध के लिए भी केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं हमारे स्थानीय मुद्दे, उन सब पर यहाँ की जनता ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और केजरीवाल का पुतला दहन भी हम लोगों ने किया है। अच्छा, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या परिवर्तन कर पाएगी जिस तरीके से आप लोग लगातार सेवा बस्ती में लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस बार जो परिवर्तन होगा वो 100% इसलिए होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली की जनता वो केजरीवाल सरकार, आतिशी सरकार, मनीष सिसोदिया सरकार, इनसे बहुत ज़्यादा विरोध में है। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं वहीं पर
बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और केजरीवाल के बारे में ये बात आम कहते सुनाई देगा कि झुग्गी में उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए शीश महल बनवा लिया, झुग्गी बस्ती में रहने वाले युवक युवतियों के लिए कुछ नहीं किया, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री की नीतियाँ, स्पेशली लड़कियों के लिए पिंक वाइन शॉप, इस प्रकार के दुष्कर्म भी केजरीवाल सरकार ने किए हैं। और महाभ्रष्टाचारी का जो तमगा है वो झुग्गी झोपड़ी की जो जनता है वो केजरीवाल सरकार के लिए देती है कि भ्रष्टाचार में नंबर वन अगर कोई रहा तो वो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और उसकी सरकार रही। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग बनाएंगे दिल्ली में? बनाएंगे जी, बनाएंगे बनाएंगे हाँ जी। किस तरीके से समस्या है आप लोगों के, क्या क्या समस्या खास है यहाँ? हम हमारे लिए पानी की भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है, शौचालय की भी समस्या है, हर चीज की समस्या है, हर चीज की समस्या है। माता जी आप लोग इतने पुराने हैं लेकिन आप ही लोगों ने तो मौका दिया आम आदमी पार्टी को, लगातार दो बार सरकार बन चुकी, तीसरी बार। हमें नहीं पता जो कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं करेंगे हैं, हम हर चीज से परेशान हैं, यहाँ हर एक चीज से। अच्छा गजेंद्र जी लगातार आप लोगों के बीच में आते हैं? आते हैं जी। तो इस बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आएंगे जी, आएगी। मूलभूत समस्या यही है भाई साहब, सबसे मेन तो यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे हम पानी से बहुत दिनों से वंचित हैं, जो पानी मिल ही नहीं रहा है लोगों को, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है उससे पूर्ति होती नहीं है। और ये जो निगम का काम, निगम पार्षद को जो काम करना चाहिए, यहाँ कचड़े की भी बहुत बड़ी समस्या है, कचड़ा जमा रहता है नालियों में, जमा रहता है कचड़ों के, यहाँ पे वो कहते थे हम सरकार बनेगी हमारे, हम आएंगे तो दिल्ली से कचड़े के पहाड़ हटा देंगे, यहाँ तो और बन रहा है, बल्कि यहाँ पे कचड़ा कभी इकट्ठा नहीं हुआ जो अब इन 5 सालों से हो रहा है इकट्ठा। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग लगे हुए कार्यकर्ता हैं, यहाँ के क्या परिवर्तन करेंगे आप लोग इस बार? बिल्कुल भाई साहब करेंगे परिवर्तन, और संकल्प लिया परिवर्तन से ही कुछ हो सकता है। किस तरीके से आप लोग देखते हो यहाँ पर समस्याएं तो बहुत है, नेता भी बहुत आते हैं जी सर, जैसे हमारे लोकेश भाई ने भी बताया आपको और हमारे गजेंद्र जी भी यहाँ पर पूरे 5-6 महीने से आ रहे हैं लगातार, इन्होंने आकर यहाँ की समस्याएं देखी हैं। यहाँ पर कूड़े की इतनी बुरी हाल है कि निगम पार्षद जो हमारे बने हैं राजीव चौधरी जी, वो कहते थे कि जब मैं आऊँगा निगम पार्षद बनूंगा तो यहाँ पर बिल्कुल सफाई कर दूंगा, लेकिन जब से इलेक्शन हुआ है वो कभी आकर नहीं देखा। और यहाँ के जो विधायक हैं नरेश यादव जी, वो 4 साल में एक बार आते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर, यहाँ पर आते हैं बस, देखा इधर से उधर गए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले और चले गए, बाकी यहाँ की समस्या वो कभी दूर नहीं करते। यहाँ पे जो पानी की परेशानी है सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक के अंदर है, डी ब्लॉक में शौचालय इतना गंदा रहता है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इससे सभी लोग बहुत परेशान हैं। तीसरे दिन का मोटर खराब हो ही पाता है। देखिए महिला है आप लोग, जिस तरीके से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं सबसे ज़्यादा। अरे भैया 45 साल हो गई कुत्ता को रोते रोते, अभी तक लगता कुछ करा नहीं है, पानी की परेशानी, शौचालय की परेशानी, हमारी जगह पर वो रह के एक ही दिन दिखाई दे हम तो जब जाने, सोनू की सीधी बात देख जाने के एक दिन रह के देखे हैं हमारे आगे हमारे झोपड़ों में। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है गजेंद्र जी से किस बार? हाँ उम्मीद तो है, उम्मीद करेंगे, उम्मीद अच्छी तरह से करेंगे तो पूरी उम्मीद है, बैठे हैं।